हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है बेलानाइटिस। जी हाँ दोस्तों, बेलानाइटिस है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसको पेनिस इन्फेक्शन भी कहते हैं और हिंदी में लिंग का संक्रमण भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। ये आदमी से लेके बुजुर्ग या बच्चों सब में होता रहता है। तो आज हम जानेंगे पूरे डिटेल में कि इसकी क्या कारण है जो होता है, क्या लक्षण हैं कि हमको पता चलेगा कि हमको बेलेनाइटिस या पेनिस इन्फेक्शन हो गया है, या इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपाय हमको कैसे इससे बचना है, क्या करना चाहिए। तो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बात कर लेते हैं बेलेनाइटिस का। तो बेलेनाइटिस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, जो पुरुष लोग होते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, लिंग होता है, उसका जो ऊपरी पार्ट होता है जिसको फोर स्किन बोलते हैं, टिप ऑफ पेनिस बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग तो टोपा बोलते हैं, उस पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को हम लोग बेलानाइटिस बोलते हैं, या लिंग का संक्रमण बोलते हैं, पेनिस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये तीनों नाम से इसको जाना जाता है। अब हम जान लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके लक्षण है ना, आपका जो पेनिस है उसका जो ऊपरी वाला आगे का फोर स्किन है या टोपा है, उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगी। और खुजली जो होती है बहुत ही आनंददायक रहती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गुदगुदी जैसा फील होता है और ज़्यादा खुजलाने का मन करता है। उसके अलावा लालपन हो जाएगा, खुजली की वजह से लालपन हो जाएगा। बहुत टाइम ऐसा भी रहता है कि कई कई बार कट भी जाता है और कटने के बाद पस भी आ जाते हैं। उसके अलावा इन्फ्लामेशन, सूजन भी आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेन भी, दर्द भी करने लगता है। तो ये सब इसके हैं लक्षण। और मुझे पता है आप सब लोगों में एक ना एक बार तो ये हुआ ही होगा, बहुत कॉमन है, होता रहता है। अब जान लेते हैं इसके कारण के बारे में कि ये होता क्यों है या कितने टाइप का होता है। तो देखिए, इसके कुछ टाइप है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो फंगस की वजह से होता है। फंगस में एक कैंडिडा नामक फंगस है, उसके द्वारा ये सबसे ज़्यादा होता है। अगर अगर आपको 10 बार हुआ है तो 7 बार 6 बार फंगस की वजह से ही होता है। और ये क्यों होता है, गंदगी की वजह से। आपका जो प्राइवेट पार्ट है आप उसको सही से वॉश नहीं कर रहे हो, या आप जब पी करने के लिए जाते हो तो उसको धोते नहीं हो, उसमें लग जाता है जिसकी वजह से, या आप जहाँ पे सोते हो वहाँ पे गंदगी, या और कोई भी अनहाइजेनिक चीज़ की वजह से आपको फंगस वहाँ पे हो जाता है। दूसरा क्या है, बैक्टीरिया की वजह से। सेम चीज़ अनहाइजेनिक वजह से बैक्टीरिया भी वहाँ पे आके पनप ले लेती है, तो बैक्टीरिया का भी सेम है। तीसरा क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। मान लो आप जिसके साथ सेक्स करने जा रहे हो या किए हो, उसको पहले से था तो आप में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके वजह से भी होता है। और कई बार बहुत एलर्जी की, किसी एलर्जी की वजह से हो जाता है। जैसे मान लो आप वहाँ पे कंडोम लगाए हो तो उसकी एलर्जी की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये सब इसके थे कारण क्यों होता है। अब आपको क्या करना है, इसका एक उपाय क्या है कि अगर आपको हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको अच्छे से उसको धोते रहिए, अनहाइजीनिक उसको ना होने दें, उसको क्लीन रखें, धोते रहें। उसके बाद उसके कुछ मेडिसिन आते हैं। मेडिसिन के बारे में हम जान लेते हैं। मान लो अगर आपको फंगस से हुआ है, तो जब फंगस से आपको होगा तो एंटी फंगल मेडिसिन लगेगी। तो उसमें से क्रीम आती है जो कि कैंडिड, एक बहुत फेमस मेडिसिन है कैंडिड क्रीम, जिसमें क्लोट्रिमाजोल डाला गया है, वो आपको लगाना है सुबह शाम 2 बार 5 दिन तक। उसके अलावा आपको ओरल टैबलेट लेना है। अब ओरल टैबलेट में आप फ्लुकोनाजोल ले सकते हैं। फ्लुकोनाजोल में जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है फ्लुका, फ्लुका 150। वो आपको हफ्ते में 1 बार लेना है और 3 हफ्ते तक लेना है। एक हफ्ते में लिए, फिर अगले हफ्ते में एक लिए, फिर तीसरे हफ्ते में 1 बार लिए। ये दोनों मोस्टली दिया जाता है। नहीं तो फ्लुकोनाजोल की जगह पे इट्राकोनाजोल दे देते हैं। तो इट्राकोनाजोल जो रहता है वो आपको 7 दिन कंटिन्यू खाना रहता है और दिन में 1 बार लेना रहता है। तो ये थे फंगस से, अगर फंगस से आपको हुआ है तो। अगर आपको बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबैक्टीरियल दवा देंगे। तो एंटीबैक्टीरियल में जो दवा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, नहीं तो एमोक्सिसिलिन विथ क्लोरीनिक एसिड देते हैं। तो जो एमोक्सिसिलिन जो मोस्टली है वो है अगुमेंटिन 650। मोस्टली अगुमेंटिन 650 टैबलेट देते हैं, आपको सुबह शाम 2 बार खाना रहता है और 5 दिन के लिए। उसके अलावा टी बैक्ट, बी बैक्ट करके एक ब्रांड आता है, टी बैक्ट और बी बैक्ट, उसमें होती है मिप्रोसिन। मिप्रोसिन का आप ले सकते हो, चाहे टी बैक्ट लो या बी बैक्ट लो, दोनों मिप्रोसिन है, आप वो ले सकते हो, सुबह शाम आप लगा लो। ये भी 5 दिन तक रहता है, 5 दिन में आपका ये जो ब्लेनाइटिस है वो ठीक हो जाता है।
दोस्तों बहुत केसेस में क्या होता है कि आप ये मेडिसिन लिए, ठीक हो गया, फिर से रिकरेंट हो जाता है। उस केसेस में क्या करें, उस केसेस में आप क्या करना है, आपको जोकोन एएस किट होता है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होता है, बाकी फ्लुकोनाजोल होता है, सिग्नाडोजोल होता है, तो ये आपको किट में आता है, एक किट आता है, ये आपको लेना है। उसके अलावा आपको क्रीम लेनी है जो कि मिक्स स्किन इन्फेक्शन में होता है, जैसे कि माइकोडर्म एनएम, इसमें एंटीबैक्टीरियल भी होता है, स्टेरॉयड भी होता है, एंटीफंगल भी होता है, तो ये जाके आपको अच्छे से काम करेगा। इसको भी सेम डोज लेना है, सुबह शाम लगाना है, और जो किट होता है आपको एक बार ही खा लेना है। इसमें आपका जो रिकरेंट वाला होता है, बार बार एक दो महीने बार हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको जिन लोगों को बार बार रिकरेंट हो रहा है उनको क्या करना है, आपको अच्छे से उसको धुलना है, साफ करना है, और उसको सुखा के रखना है, गीला ना होने देना है, ये सब सावधानियां रखनी है। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी बेलनाइटिस बीमारी के बारे में, या बोल सकते हो लिंग का जो संक्रमण है उसके बारे में। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है और वो बता भी नहीं पाते हैं, तो ये वीडियो आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी लिंग का संक्रमण का।